हाय 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 सब खड़े सैयद खड़े मुल्ला मैं गए मुल्ला मैं गए इकामत फर्ज है अल्लाह से दे जनाब आज इन चंद वीडियोस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जरा ये दरबार शरीफ के अंदर के पुरनूर मनाजर देखें। दरबार के अंदर ही ढोल तबलों का बंदोबस्त किया हुआ है और बगैरती के आला दर्जे पर फायज बेशरम बेगैरत मर्दों की औरतें मर्दों के गड़मस में डांस कर रही हैं और भोंडर हजरात खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे भाई ईमान से बताएं क्या ये अल्लाह वाले की कब्र की तोहिन नहीं। मस्जिद के अंदर पीर साहब मौजूद हैं और मुरीद हजरात पीर के सामने ताड़ी बजा के पीर साहब की शान में नगमे गा रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं। ईमान से बताएं कि जो ये कर रहे हैं क्या ये अल्लाह के घर मसाजिद के अदब के खिलाफ नहीं? ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं या पीरों के नगमे गाने के लिए हैं, पीरों को खुश करने के लिए हैं? ये जिस भाई को उल्टा करके दरख्त के साथ लटकाया गया है, इसे कोई पुलिस ने नहीं लटकाया हुआ। दरअसल एक दरबार शरीफ पे मन्नत मांगने का ये तरीका कार है कि जब भी आपकी मन्नत पूरी होगी तो आपको दरबार पे आकर चंद मिनट दरख्त के साथ उल्टा लटकना पड़ेगा। इसे कहते हैं शैतान को भी चक्कर देना। भाई साहब एक तरफ तस्बीह दा मणके ते मणका सट रहे हैं ते दूसरी तरफ फिल्म एंजॉय कर रहे हैं। ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो है। एक महफिल में एक ज़ईफ बुजुर्ग आलम दीन सोफे पर बैठा होता है जिसकी तबीयत भी खराब थी कि एक मौलाना साहब जिसका नाम इरफान शाह बताया जाता है और ये मौलाना इस बुजुर्ग का शागिर्द है, लेकिन अफसोस का ये भरे मजमे में अपने ज़ईफ उस्ताद के साथ बद अखलाकी से पेश आ रहे हैं। जरा मुलाहिज़ा फरमाएं। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।